सुरेंद्र सर, दो ओके फ्रेंड्स, जैसे मैं बता रहा था, मैं जॉब में था और ये अपॉर्चुनिटी किसी फरिश्ते के थ्रू मेरे तक पहुंची। गार्ड ने भेजा उनको और शुरू में इतना विश्वास नहीं था, मैं नहीं, मुझे नहीं पता था ये क्या सिस्टम है, ऐसे होता है साबुन तेल बेचने वाला काम, हमें नहीं पता था इसके बारे में। जब बड़े बड़े सेमिनार हमने दोस्तों देखे, हमने देखे अपनी आंखों से नासा के साइंटिस्ट को, ये बिजनेस जो बड़ी सक्सेस उन्होंने पाई है, प्रियमत कुमार सिंह है, इनकम टैक्स मिनिस्टर, ऐसे बड़े बड़े लोगों को देखे, हमारा विश्वास बढ़ा कि काम बहुत बड़ा है। शायद मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है इसकी, बट काम बहुत बड़ा है। कई बार बंदा कहता है मुझे तो सारा पता है, बोलते हैं लोग ऐसे, मुझे तो सारा पता। ओके दोस्तों, करते गए बढ़िया काम चलने लगा और मैं एक डिसीजन बनाया 3 साल के बाद, जब मुझे 3 साल हो गए थे इसको करते हुए, मैंने डिसीजन बनाया कि अब मैं जॉब नहीं करूँगा। इतने पैसे मैं इस बिजनेस से बना लेता कि इसमें अपनी फैमिली पाल सकूँ। और मेरे दिमाग 2 महीने की मेरे पास छुट्टी थी, मैंने छुट्टी डाली, छुट्टी एक्सटेंड करी, उसके बाद लीव विदाउट पे हो गया। 2-3 4 महीने में लीव विदाउट पे जॉब सारी काम की बिजनेस किया, दवा के मेहनत करी और फिर उसके बाद मैंने अपनी जॉब से रिजाइन कर दिया था। मैंने एक बुक में पढ़ा था, जिंदगी में रिस्क ना लेना सबसे बड़ा रिस्क है दोस्तों। हमें नहीं पता था कि जॉब के आगे भी कोई दुनिया होती है दोस्तों, जहां आके पता चला, इस प्लेटफॉर्म पे आके पता चला दोस्तों हमारी जॉब से बहुत ऊपर है ये बिजनेस दोस्तों, ठीक है। हमने डिसीजन बनाया, करते गए बढ़िया बिजनेस चला। उसके बाद दोस्तों हमने सारा बिजनेस बाइक के ऊपर, हमने फाउंडर पैटर्न बाइक के ऊपर हम गए हैं। जब कोरोना आया, सारे लोग बोल रहे थे घुस जाओ, अंदर बढ़ो, अंदर चलो, है ना, बाहर नहीं निकलना। दोस्तों उन्होंने डिसीजन बनाया कि एक पुलिस वाले काम, सिपाहियों की तरह काम कर रहे हैं, वो खड़े हैं, डटे हैं, आर्मी वाले डटे हैं, मेडिकल स्टाफ सारा डटा हुआ, मैं क्यों नहीं कर सकता। मैं भी निकला दोस्तों, हम 4-5 बजे निकल सकते दिखते थे घर से, हम बसोली, बिलावर, उधमपुर, हम जहाँ जहाँ हम जा सकते थे 4 बजे निकलते थे। कोई नाके में रास्ते में पूछता कहाँ जा रहे हो, मैं बोलता अपने गाँव जा रहा हूँ बच्चों के पास। जब उधर से हम आते थे वो बोलते थे कहाँ जा रहे हो नाके वाले, मैं बोलता हूँ अपने बच्चों को मिलने जम्मू जा रहा हूँ, बच्चे जम्मू रहते हैं। ऐसे कर करके हमने बिजनेस को बनाया दोस्तों। मैं सारी अपलाइंस को नमन करता हूँ, मेरा प्रणाम है मेरी सारी अपलाइन को, जिनकी वजह से मेरा रोम रोम का कर्जदार है दोस्तों। मुझे MBA का स्पेल भी नहीं आता था, मुझे कुछ नहीं आता था, मैं आज भी कहता हूँ मुझे आज भी कुछ नहीं आता दोस्तों। मैं अभी जो सीखा हूँ अपनी अपलाइन से 1-2% अभी वो सीख रहा हूँ, आगे डायमंड कैसे जाना है वो अभी सीख रहा है मुझे। और मैं बहुत ही वारी हूँ उस कप्पर का, सुखिंदर सर ने राय दी, एक बार जोरदार क्लैपिंग उस कप्पर के लिए दोस्तों। वो शायद इस बीच में ना होते तो मैं भी इस बीच में ना होता दोस्तों। उन्हें मैं एक कदम चलाऊ, मेरे साथ 4 कदम चले, कंधे से कंधा मिला के जैसे जैसे हमें वो गाइड करते गए, हम आगे बढ़ते गए दोस्तों। अगर वो नहीं होते हम जहां ना होते दोस्तों। अब मैं जोरदार क्लैपिंग चाहूंगा हमारे महागुरु बलजीत सैनी सर एंड अमन दीदी, जोरदार क्लैपिंग के साथ। आज बहुत बड़ी अचीवमेंट उनके पास दोस्तों। हम EDC एग्जीक्यूटिव डायमंड को सुनने, हम लुधियाना 900 रुपये की टिकट देते थे।